हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में बात करेंगे द बाउंसर मूवी के बारे में। ये गजब की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो अवेलेबल हो चुकी है हिंदी में G5 ऐप पर, जिसे मैंने भी कुछ देर पहले देखकर खत्म किया है। इसे देखकर जो भी अच्छा बुरा एक्सपीरियंस था मेरे फिल्म के साथ, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अगर मेरा पसंद आए तो दोस्तों आप इस वीडियो को एक लाइक कर देना। सबसे पहले कहानी देखो, ये कहानी फोकस करती है दोस्तों एक नाइट क्लब के बाउंसर की, जो मतलब एक हिसाब से छोटा मोटा राउडी बंदा है। वो अपनी बेटी के साथ रहता है, लेकिन वो मतलब कहीं ना कहीं ना खुश है। आगे उसके लाइफ में क्या कुछ होगा, किन परेशानियों का वो सामना कर रहा है, वो सॉल्व होंगी नहीं होंगी, उसके लिए दोस्तों आपको इस फिल्म को देखना पड़ेगा। देखो फिल्म की स्टोरी मुझे पसंद आई, बढ़िया, एक अच्छी सी हॉलीवुड फिल्म है, लेकिन देखने में मजा आता है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा ये फैमिली के साथ देखो, क्योंकि कई ऐसे सीन आ जाते हैं जो मतलब आपको अनकंफर्टेबल कर देंगे अगर आप अपने परिवार साथ ऐसी फिल्में देख रहे हो। मैं तो हमेशा बोलता हूँ हॉलीवुड की लगभग ना 80% मूवीज के अंदर ना कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है जो परिवार से बैठ के नहीं देख सकते हैं। बहुत ही कम ऐसी मूवीज होती हैं जो फैमिली के साथ बैठ के देखें। तो आप मुझसे कमेंट मत ये पूछा करोगे भैया आप यानी कि हम ये फिल्म अपने परिवार से बैठ के देखें नहीं देखें, तो मैं आपको मना ही कर दूंगा। कभी भी हॉलीवुड मूवी परिवार से बैठ के मत देखना, कभी क्या चीज़ आ जाए पता ही नहीं लगेगा। इस फिल्म के जो एक्शन सीन है वो मुझे पसंद आए। इस फिल्म की सिनेमोग्राफी भी अच्छी लगी, जो स्क्रीन पे लिखा गया है इस कैरेक्टर का वो शानदार है, जो देखने में अच्छा लगता है। अगर आप भी इस हीरो के फैन हो तो ये फिल्म आपको बोर नहीं करेगी। तो इसके दोस्तों के मेरा छोटा सा रिव्यू था जो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर किया। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना। मिलता अगली वीडियो में एक और मूवी का रिव्यू लेकर।